नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ रेखा। कि कटास सिराज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उत्तरी भाग में चकवाल जिले में पोठोहर के पटरी क्षेत्र में नमक कुह पर्वत श्रृंखला में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहां एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर के अतिरिक्त यहाँ पर और भी मंदिरों की श्रृंखलाएँ हैं। ये सभी मंदिर 10वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। कहते हैं कि जब माता पार्वती सती हुई उस समय भगवान शिव की आंखों से टपकी आंसुओं से वो सरोवर बना था, जिसमें सूखते पानी को लेकर पाकिस्तानी अदालत ने चिंता जताई और स्थान में चर्चा में आया। जन श्रुतियों की माने तो ये देव स्थान हजारों साल पुराना है। यहाँ स्थित मंदिर के बारे में मान्यता है कि उसका निर्माण श्री कृष्ण ने करवाया था और यहाँ स्थित शिवलिंग स्थापना उन्हीं के हाथों हुई थी। इस स्थान पर मौर्य सम्राट अशोक ने स्तूप भी बनवाया था। साथ ही 4वीं शताब्दी में भारत यात्रा पर आए चीनी यात्री फैयान ने भी अपनी यात्रा वृतांत में इस स्थान का उल्लेख किया है। सिख गुरु नानक देव जी भी ये स्थान काफी प्रिय बताया जाता है। इसके आसपास खुदाई के दौरान 6000 से 7000 ईसा पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। कहते हैं कि महाभारत काल में पांडव वनवास के दिनों में इन्हीं पहाड़ियों में अज्ञातवास के दौरान आए थे और यही वो कुंड है जहाँ पांडव प्यास लगने पर पानी की खोज में पहुंचे थे। कुंड पर एक यक्ष का अधिकार था। पानी की तलाश में जब नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन सहित चारों भाई इस कुंड पर आए और यक्ष ने उन्हें आवाज दी और कहा कि इस पानी पर उसका अधिकार है। अगर पानी लेना है तो पहले उसके प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कोई पांडव उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया और पानी पीने की कोशिश करने पर यक्ष ने उनको मूर्छित कर दिया। अंत में चारों भाइयों को खोजते हुए युधिष्ठिर वहां पहुंचे और चारों भाइयों को मूर्छित पड़े देखे। ये पूछा कि ये किसने किया। तब यक्ष ने सारी बातें बताई तो युधिष्ठिर ने कहा कि वे उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हैं। तब यक्ष ने उनसे चर्चित प्रश्न पूछे और उनके चारों भाइयों को जीवित करके उन्हें धर्मराज का नाम दिया।